Hello friends, welcome back to our channel. In today's video, I will show you how to create dual apps. इस डिवाइस में किसी भी एप्लीकेशन को क्लोन कर सकते हैं। एप्लीकेशन को क्लोन करने के बाद आप एक ही फोन में दो अलग अलग अकाउंट चला सकते हैं, जैसे कि WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. दोस्तों सबसे पहले उनके सेटिंग्स में चले जाइए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे नीचे आइए। नेक्स्ट एप्स पे क्लिक करना है, इसके बाद डुअल एप्स। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में डुअल ऐप का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इस वीडियो के अंत में आपको एक तरीका बताऊंगा एप्लीकेशन क्लोन करने का। एवरी अकाउंट डिजर्व इट ओन ऐप्स, यहाँ क्रिएट पर क्लिक करें। दोस्तों डुअल ऐप के अंदर जितने सारे एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है इन सभी ऐप को क्लोन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फोन पे एप्लीकेशन को क्लोन करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद गूगल सर्विस का परमिशन टर्न ऑन कर दीजिए। इसका क्लोन वर्सन इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद मैं व्हाट्सएप एप्लीकेशन को क्लोन करूँगा। इस ऑप्शन को इनेबल करते ही इसका भी क्लोन वर्सन इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से जिस भी एप्लीकेशन को क्लोन करना चाहते हैं उसे टर्न ऑन कर दीजिए। अब होम स्क्रीन पर चले जाइए। देखिए पहले एक फ़ोन पे था, उसकी बगल में और एक फ़ोन पे का क्लोन वर्सन आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से जो एप्लीकेशन डुअल ऐप को सपोर्ट करेगा उसका क्लोन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में डुअल ऐप का ऑप्शन नहीं आ रहा है या फिर जो जो एप्लीकेशन डुअल ऐप की लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहा है उसको क्लोन कैसे करेंगे? दोस्तों प्ले स्टोर में मैं आपको तीनों एप्लीकेशन का नाम बताऊंगा। इन तीनों एप्लीकेशन से आप किसी भी एप्लीकेशन को क्लोन कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट प्ले स्टोर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर प्ले स्टोर में जाके मल्टी स्पेस, पैरेलल ऐप या मल्टीपल अकाउंट, इन तीनों में से किसी एक को इंस्टॉल कर लीजिए, फिर आप किसी भी एप्लीकेशन को क्लोन कर पाएंगे। ये तीनों एप्लीकेशन टोटली फ्री है और इनका उपयोग करते समय थोड़ी मात्रा में एडवर्टाइजमेंट आ सकते हैं। दोस्तों अगर इस डिवाइस में कोई भी डुअल ऐप को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो क्लोन ऐप के ऊपर लॉन्ग टैप करके यहाँ क्लिक कीजिए। इसके बाद क्लोन वर्सन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर डुअल ऐप सेटिंग्स में जाके जिस ऐप को अनइंस्टॉल करना है उसे डिसेबल कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी एप्लीकेशन को क्लोन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।